जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। TET STET शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी TET STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, STET इनमेरिट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं रहा। कारण 12 मार्च 2021 को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी हुआ था और 21 जून के बाद भी शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं सातवें चरण एवं आगे के चरण के लिए। तो एक तरह से मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को बराबर समझा जाए, सभी क्वालिफाइड हैं और जितना जल्दी हो सके समझें और एकजुट होकर रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अन्य सभी विषय में नौकरी पक्की ही समझें और इन दो विषय सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएंगी। और विद्यालयों की संख्या के अनुसार कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8000 से अधिक पद आ सकते हैं और सोशल साइंस विषय में काफ़ी पद आ सकते हैं, जिससे सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 11-12 हज़ार पद सीजी स्वीकृत हैं, 11000 के करीब पद, और भी पद की संख्या बढ़ सकती है। अब आगे देख लेते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब रीस्टोर होने की संभावना नहीं, तो कारण यह है, आप लोग देख चुके होंगे और सुने भी होंगे, तो कारण है गलत ऑप्शन केस, जो आप लोग हाल फिलहाल में सुने होंगे और सभी न्यूज़पेपर में भी ये सभी गलत ऑप्शन केस का मामला प्रकाश में आया है। तो उसमें इस टाइप की बातें हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि इतने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है, तो इस टाइप की बातें हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में हैं, कैटेगरी से हैं, तो वो भी नोट इन मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाता है, और बहुत सारे अभ्यर्थी इधर उधर हो सकते हैं ऐसे में, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB अपने फाइनल आंसर की को भी चेंज करता है, अपडेट करता है, तो कुछ से कुछ हो सकता है। और सारी गड़बड़ी तो BSEB की ही है। पहले भी मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट में जो रिजल्ट दिया गया 3 महीने के बाद, तो वो भी BSEB की ही गलती है। और शिक्षा विभाग भी सुनने में, आप लोग सुने भी होंगे, स्पष्ट कर चुके हैं BSEB की गलती समझा जाए, त्रुटि समझा जाए। तो ये सभी जानकारी हैं, तो सभी क्वालिफाइड हैं कहा जा सकता है। और ऐसा कुछ भी होता है तो आंसर की जो है फाइनल आंसर की को साझा करना चाहिए BSEB को, और उसके बाद ऑब्जेक्शन किया जाता है। उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद यदि चेंज करना था BSEB को, तो उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता, उसके बाद अपडेट होता, उसके बाद फिर से रिजल्ट जारी होता। तो वही बातें हैं। तो इसीलिए चाहिए कि अलग अलग अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन भी अलग अलग होते हैं, गलत क्वेश्चन उत्तर भी अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए चाहिए कि ऑब्जेक्शन सभी को दिया जाए। तो ये बातें पहले करना चाहिए था। अब तो रिजल्ट जारी हो गया, 1 साल के बाद सभी प्रक्रियाएँ भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, जो रिजल्ट कार्ड भी आ चुके हैं, तब कुछ ऐसा होता है तो फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। 1.5 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं, रिजल्ट के भी 1 साल से अधिक समय बीत चुके हैं, तो काफ़ी समस्या हो जाएंगी। तो समझ सकते हैं इन बातों को, और विवाद भी बढ़ जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से नोट इन मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी नोट से मेरिट में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पर हैं, क्वालिफाइड हैं, तो उसके साथ भी कुछ से कुछ हो सकता है। तो ये सभी समस्याएँ हैं। तो इससे अच्छा है कि जो अर्थहीन शिक्षा मंत्री जी कर चुके हैं, तो अब देखिए आगे क्या होता है। और इससे ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रीस्टोर होने की संभावना नहीं है और अर्थहीन हो चुका है, पहले भी सभी को मालूम है, तो यही है। और फिर भी नौकरी पक्की हो सकती है, 100% तय है, बातें कर चुके हैं। रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।